हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं संदीपन बैनर्जी फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए, दुबई में हम हैं, एशिया कप चल रहा है, लेकिन दुबई एक जगह एक चीज के लिए फेमस है। आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है, जहां से पूरी दुनिया का क्रिकेट कंट्रोल होता है, वो दुबई में है, ग्राउंड के बहुत सामने है। तो हमने सोचा क्यों ना हम एशिया कप के बहाने आपको एक आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है, इसका भी एक वर्चुअल टूर दे दे। तो चलिए, मेरे साथ हमें स्पेशल परमिशन दिया गया है आज एक आपको एक छोटा सा टूर देने के लिए आईसीसी हेडक्वार्टर्स में। मैं अभी आईसीसी हेडक्वार्टर्स के बाहर ही खड़ा हूँ, तो चलिए मेरे साथ और देख लेते हैं कि दुनिया का क्रिकेट जहाँ से कंट्रोल होता है, उसका ऑफिस कैसा है। सो देयर इट इज, ये है आईसीसी का हेडक्वार्टर्स जो दुबई के स्पोर्ट्स सिटी में है। हाँ, तो हमें एक स्पेशल एक्सेस जो मैंने अभी कहा कि मिला हुआ है ये वीडियो करने के लिए, क्योंकि आईसीसी इज फोकसिंग ए लॉट ऑन डिजिटल व्यूअरशिप। आईसीसी चाहते हैं कि डिजिटल मीडिया के द्वारा फैंस उनका जो बैक एंड है, उनका जो काम है वो देख सके। तो अब हम चल रहे हैं आईसीसी के ऑफिस के अंदर। देखिए, जब पहले इधर कदम रखेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि आईसीसी का विज़न क्या है। आईसीसी का विज़न है ग्रोथ, क्रिकेट को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर कभी कोई भी बड़ा, आप जब यहाँ अंदर जाएंगे तो फर्स्ट पिक्चर जो है ये है। यहाँ पर कोई बड़ा क्रिकेटर का पिक्चर नहीं है, यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची का पिक्चर है जो दिखा रहा है कि शी इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो दिस इज़ व्हाट आईसीसी इज़ ऑल अबाउट। आईसीसी चाहते हैं कि उनका गेम बड़ा हो, गेम बढ़े। और ये दरवाजा हमारे लिए खुलता हुआ, देखिए यहाँ पर ग्लोबल ग्रोथ के बारे में बात किया गया है, विजन के बारे में बात किया गया है, क्रिकेट इन ओलंपिक्स के बारे में बात किया गया है। देखिए, क्रिकेट इन ओलंपिक्स हमें पता ही है कि 2028 में आईसीसी इज ट्राइंग रियली हार्ड एलए ओलंपिक्स में क्रिकेट को एक पार्ट बनाने के। 2028 और 2032 में जो ब्रिस्बेन में ओलंपिक्स होने वाला है, ब्रिस्बेन में भी यू नो ऑब्वियसली ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया इज अ स्पोर्ट्स सिटी बट स्पोर्ट्स कंट्री स्पोर्ट्स बट 2028 कैन बी अ ब्रेक थ्रू ईयर फॉर क्रिकेट। यह मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यूएस में ओलंपिक होने वाला है, लॉस एंजलिस में होने वाला है, वहाँ पर अगर क्रिकेट ओलंपिक का पार्ट होता है तो क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली जो ग्रोथ ग्लोबलाइजेशन के लिए, एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा अवसर हो सकता है। एंड लुक, दिस इज द टारगेट ऑडियंस ऑफ आईसीसी, डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया, जैसे कि हम आपसे डिजिटल मीडिया में बात कर रहे हैं, यूट्यूब इज़ ए पार्ट ऑफ डिजिटल मीडिया, तो आईसीसी इज टारगेटिंग दैट। आईसीसी इज टारगेटिंग 300 million फैंस, रीच आउट 300 million फैंस बाई 2032। तो आप देख सकते हैं, यही रीज़न है कि हमें परमिशन मिला है ये वीडियो करने के लिए, क्योंकि आईसीसी चाहते हैं कि डिजिटल मीडिया के द्वारा हमें ये फैंस के तरफ हमें हम आपको पहुंचाए फैंस के तरफ। दीज आर द ट्रॉफीज ऑफ आईसीसी। तो दिस इज वुमेन्स वर्ल्ड कप, ये है, दिस इज मेन्स वर्ल्ड कप, दिस इज अंडर 19 वर्ल्ड कप, और अभी अंडर 19 मेन्स वर्ल्ड कप, अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप का ट्रॉफी यहाँ पर होगा। T20 वर्ल्ड कप का जो ट्रॉफी है, दैट इज अभी वो टूर इस ऑन ट्रॉफी टूर, जो टूर्नामेंट से पहले होता है, क्योंकि आपको पता ही कि अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप है। आप देख सकते हैं ऊपर पहले जो लोगो था, तो इस वट इज काइंड ऑफ सिमिलर टू द MCC लोगो, उसके बाद थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन अभी जो लोगो है 2001 में हमें देखने को मिला। एंड US, अनदर बिग मार्केट, अनदर बिग टार्ग, जहाँ पर US में हमने देखा था कि रिसेंटली क्रिकेट के प्रति क्रिकेट पे तरह US में जो एक इंटरेस्ट है वो बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर सब कॉन्टिनेंटल पॉपुलेशन बहुत हैं, तो कैरिबियन पीपल वहाँ पर बहुत हैं। तो ICC इज टारगेटिंग दैट US ऑडियंस, और इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि 2028 LA ओलंपिक्स इज गोइंग टू बी ए गेम चेंजर फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट। अगर LA ओलंपिक्स में क्रिकेट को मौका मिलता है तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगा, क्योंकि तब क्रिकेट जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, आई मीन ऑन पार्ट ऑफ क्रिकेटिंग फ्रॉम द पार्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्रिकेट, जैसे कि चाइना हो गया, जैसे कि फ्रांस हो गया, जैसे कि ब्राज़ील हो गया, ऐसे कंट्री को अपने गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाएगा क्रिकेट को ग्रो करने के लिए। तो आईसीसी का विजन जो है वो वही है कि क्रिकेट को ग्रो किया जाए कैसे। और फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं विमल जी,
जो अभी उनको भी ये परमिशन मिला हुआ। विमल जी कैसा देख रहे हैं आईसीसी के ऑफिस को? जबरदस्त है। देखिए आप यहाँ पर आते हैं तो आपकी आंखें खुल जाती हैं, अचानक हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली आप क्रिकेट के फैन हैं, मैदान पे स्टेडियम पे जाके मैच देखते हैं, लेकिन एक क्रिकेट की जो सबसे इम्पोर्टेंट संस्था है जहाँ से क्रिकेट चलती है, वहाँ का उसके ऑफिस में आप आते हैं और आप देखते हैं, हर रूम को देखते हैं कि किस तरह की सुविधाएं हैं और कैसे क्रिकेट चलती है। एक्चुअली देखा जाए तो ये क्रिकेट का ऑफिस है। हमारे फैंस में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस ऑफिस के वीडियो को देखने के बाद यही काम करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल काम करने की कोशिश करेंगे, और बहुत सारे लोग जब कभी दुबई में मैच देखने के लिए भी आएंगे तो स्टेडियम के अलावा यहाँ भी आया। लेकिन यहाँ का परमिशन सबको नहीं है। सबको नहीं है, लेकिन कम से कम अगर कोई ऐसा है रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पहले ईमेल लिख सकते हैं कि भाई हम फैंस हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मना भी करेगा। हालांकि एक साथ बहुत लोगों को नहीं, लेकिन अगर आप में इच्छा है तो हो सकता है, और अगर देखना चाहिए कि क्रिकेट कहाँ से कंट्रोल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हेडक्वार्टर है। एक मुझे बहुत अच्छा चीज लगा यहाँ पर कि आप जब जो आपने भी अपने ब्लॉग में कहा है कि यहाँ पर अब जब घुसते हैं तो ये नहीं दिखाता है कि तेंदुलकर लारा का फोटो, ऑब्वियसली उनका भी नाम का रूम है, कॉन्फ्रेंस रूम है, लेकिन यहाँ पर दिखाता है कि देयर विजन डेवलपमेंट, ग्लोबल डेवलपमेंट, वुमेन्स क्रिकेट, क्रिकेट इन ओलंपिक्स। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे तो बहुत सही लगा, मतलब आप आते हो और ये साफ पता चलता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं, लेकिन जो फोकस है, कम से कम आपका जो इंटेंट है, आप किस तरह से गेम को आगे लेकर जाना चाहते हैं, और ये जो फोकस है कि भाई नहीं हमें विमेंस क्रिकेट को बढ़ावा देना है, क्योंकि फॉर टू लॉन्ग ये गेम एक हाफ द पॉपुलेशन को हमने इग्नोर किया है। तो मुझे लगता है कि ये आईसीसी का बहुत अच्छा विजन है, जितनी लड़कियां आगे जाएंगी, क्योंकि लड़कों की क्रिकेट तो हमें पता ही है, इसमें भी ग्रोथ है, लेकिन जो महिलाओं के क्रिकेट, जिसको हम लोगों ने पिछले 100 साल में भी उतना वो तवज्जो नहीं दी, वो स्पेस नहीं दी है, वो वेल डिजर्विंग। और ये स्टार्ट होती है फ्रॉम द वेरी टॉप, जो आप चेंज कोई करना चाहते हैं फ्रॉम द वेरी टॉप, क्योंकि अगर आपका टॉप में माइंडसेट चेंज हुआ तो वही ग्रास रूट पे जाएगी। और फाइनली ICC is willing to reach 300 million fans through digital media. आप डिजिटल मीडिया से अपने दर्शकों से जुड़ते हैं, मैं डिजिटल मीडिया से जुड़ता हूं, तो इसमें YouTube के हमारे दर्शकों का कितना बड़ा रोल है, क्योंकि ICC टारगेट कर रहा है उनको, टारगेट कर रहा है, और इसीलिए ICC ने आपको देखिए आज से परमिशन नहीं मिलता है सबको, वीडियो हमें मिल गया, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो बातें आप और हम कर रहे हैं तो लाखों लोगों के पास जाएगी। ये एक ट्रेडिशनल प्रिंट का मीडिया या टीवी में ये स्टोरी चलती भी नहीं, दिखाता भी नहीं है, तो इसलिए ICC ने इस पावर को समझा, जो ब्यूरोक्रेसी हायरार्की है उसको तोड़ा है उन्होंने, ये मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। देखिए विमल जी ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि देख सकते हैं सारे कंट्रीज का कैप है यहाँ पर रखा हुआ, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सारे कंट्रीज का यहाँ पर कैप रखा हुआ है। देखिए हम आपको जितना हमें परमिशन मिला है जी उस हिसाब से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ICC का जो हेडक्वार्टर है ये कैसे होता है। तो देयर इट इज, मैंने कोशिश किया कि ICC का हेडक्वार्टर का एक वर्चुअल टूर आपको मिले, आप हमसे जुड़े, हमारे ऐसे हम और मेरे किसी भी जो क्रिकेट के बारे में बोलते हैं, क्रिकेट के बारे में अच्छा बोलते हैं, उनके साथ जुड़े YouTube में, उनको सपोर्ट करें, मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और देखते रहिए, हम ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लेते आएंगे।